अस्सलाम वालेकुम सर क्लास, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा कि हमने प्रूव करना है। देखें ज़रा, यू का सेट गिवन है 1 टिल 20, ए का सेट गिवन है 1 से लेकर 19 तक, सारे ऑड नंबर्स, एंड बी का सेट गिवन है 2 से इवन नंबर 20 तक। देन प्रूव डैट, हमने प्रूव कर क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए क्या है, फर्स्ट वन ये है। बी कम्प्लीमेंट हम सॉल्व करेंगे, बी कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड को, बी कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी, यू का सेट मैंने लिख लिया माइनस बी का सेट लिख लिया। यू के सेट में हमारे पास 1 से लेकर 20 तक ऑनवर्ड सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन बी के सेट में जस्ट इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। हमारे पास ये जो इवन नंबर हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट ऑड नंबर बचेंगे, क्योंकि इवन नंबर दोनों सेट्स में आ रहे हैं, इधर से तो 1 से 20 तक सारी वैल्यूज़ हैं, तो इवन इसमें भी हैं तो वो कैंसिल होकर जस्ट ऑड वैल्यूज़ बच जाएंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, और जो कि हमारे पास ए का सेट बन रहा है, ए के सेट में भी 1 से लेकर 19 तक जस्ट इवन ऑड वैल्यूज़ थी ना, वही वैल्यूज़ आ गई, मींस बी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए हमारे पास आ गया, बी का कम्प्लीमेंट हमने सॉल्व किया, वो ए के इक्वल आया, प्रूव्ड हो गया। देन देखें इसका सेकंड पार्ट इसी तरह, फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, जो कि थर्ड पार्ट उसी तरह उससे होगा, आप फोर्थ पार्ट की तरह थर्ड पार्ट भी खुद सॉल्व करेंगे। ए स्लैश बी मीन्स ए माइनस बी, उसका आंसर करके ए के इक्वल आना चाहिए। हम इस तरह का ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बी माइनस ए, बी स्लैश ए, बी माइनस ए इक्वल्स टू बी क्या आना चाहिए, बी का सेट लिख लिया मैंने, 2 से लेकर 20 तक सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं इसमें, और ए के सेट में हमारे पास 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर। अब इन दोनों में हमारे पास कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, क्योंकि इसमें इवन नंबर्स हैं, इसमें ऑड, कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये वैल्यूज इसी तरह से आ जाएगा बी का सेट, क्योंकि कैंसिलेशन हो के हम जो पहले सेट में वैल्यूज बचती हैं वो आंसर लिखते हैं ना, अब कैंसिलेशन हुई नहीं, तो पहला सेट उसी तरह से एज इट इज़ आंसर आ गया, बी माइनस ए इक्वल्स टू बी के सेट के इक्वल, ये बी का सेट ही है, तो आ गया प्रूव्ड है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स, सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है किसको कहते हैं, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे डिजिट्स आते हैं। यू इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3 एंड ऑनवर्ड, इसी तरह से सारे आ रहे हैं नंबर्स, और होल नंबर्स का सेट होता है 0 से स्टार्ट होता है टिल ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, ठीक कॉन्टिन्यू है। अब हमने W का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, विच मीन्स यू माइनस W, यू का सेट मैंने लिख लिया, देन माइनस W का सेट। यू के सेट में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हैं और नेगेटिव भी, जबकि W के सेट में जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज सारी कैंसिल हो जाएंगी, नेगेटिव बच जाएंगी, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इन्फिनिटी सो ऑन। इसी तरह से 7th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है, यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड, और प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह से 13 कॉन्टिन्यू, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है। आपको पहले भी मैं प्राइम नंबर का सेट लिखवा चुकी हूँ, इसी तरह से आपने यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है और पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन में किया। देन फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ पी, पी का कम्प्लीमेंट करना है, यू में से माइनस कर देना है पी का सेट, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क भी करने हैं क्वेश्चन 7th क्लास और इनकी प्रैक्टिस भी। आज के लिए बस इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।